हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस बार कजरी तीज का पर्व 14 अगस्त के दिन पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। बता दें कि कजरी तीज को कजरी तीज, बूढ़ी तीज और सूतड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का पर्व मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। हरियाली तीज की तरह ही कजरी तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन भगवान शिव व पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ कुंवारी लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इस बार कजरी तीज पर कई शुभ योग पड़ रहे हैं, जिस वजह से इस दिन पूजा करना बेहद ही शुभ रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज की तिथि, पूजा मुहूर्त और शुभ योगों के साथ इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी पर। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 13 अगस्त देर रात 12:53 पर होगा और 14 अगस्त रात 10:35 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कजरी तीज 14 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। बता दें कि कजरी तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन दो शुभ योग भी पड़ रहे हैं, जो कि बेहद ही शुभ माने जा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कजरी तीज पर सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे। बता दें कि इस दिन सुकर्मा योग का आरंभ सुबह से लेकर देर रात 1:38 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी रात 9:56 से लेकर अगले दिन 15 अगस्त तक प्रातः 5:50 तक रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिहाज से शुभ माने जाते हैं। चलिए आपको बता दें कजरी तीज व्रत की पूजन विधि। सबसे पहले पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे देने से करें। फिर अक्षत चढ़ाएं, अनामिका उंगली से निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और 13 बिंदियां लगाएं। साथ ही काजल की 13 बिंदी भी लगाएं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाएं। निमड़ी माता को मौली चढ़ाएं और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। फिर इसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता को अर्पित की हैं, उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखें। उसके बाद गहनों और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब भी देखें। कजरी तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर उन्हें भी रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं को दोनों हाथों में लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।